हे दोस्तों, 32,76,948। नाउ ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये एक्चुअल में साल है, इयर्स है, उतने इयर्स जितने इयर्स इलॉन मस्क जी सकते हैं अगर वो एक एवरेज अमेरिकन की तरह पैसे खर्चा करना स्टार्ट करते हैं। तो ना एवरेज अमेरिकन की जो सैलरी होती है वो अराउंड $51,000 होती है समझो, तो वो बेसिकली 42 लाख रुपीज से भी ज़्यादा पैसे होते हैं। अगर वो इतने पैसे भी खर्चा करना स्टार्ट करते हैं ईयरली तो भी उनको 32 लाख के ऊपर साल लग जाएंगे। ना ऑब्वियसली ये जो नंबर है थोड़े आगे पीछे रहेंगे, और हाँ ये लिक्विड एसेट भी नहीं है, लेकिन हाँ इतना तो पक्का है कि इलॉन मस्क के पास इतने पैसे हैं कि वो हजारों सालों तक जी सकते हैं अगर वो आज भी काम करना बंद कर देते हैं तो। और यही चीज एक्चुअल में वेल्थ होती है। देखो रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं ना कि आप कितने पैसे कमाते हो ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्चुअल वेल्थ उसे बोलते हैं कि आप कितना टाइम सर्वाइव कर सकते हो अगर आप आज ही काम करना बंद कर देते हो तो। और यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो ज्यादातर लोग अपने आपसे कभी नहीं पूछते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने कभी कैलकुलेट किया है कि अगर आप आज ही काम करना बंद कर देते हो तो आपके पास कितने पैसे है, कितना वेल्थ है जो आपको आपकी जिंदगी सर्वाइव कराने में हेल्प करेगी? मतलब कितने साल कितने महीने आप सर्वाइव कर पाओगे अगर आप आज ही काम करना बंद कर देते हो तो, कमेंट करके जरूर बताना। नाउ आई नो 99% लोग, उससे भी ज्यादा लोग है ना, इस क्वेश्चन का कभी आंसर सोचते नहीं है, कभी उसे कैलकुलेट नहीं करते हैं। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है ना तो आपको ये चीज कैलकुलेट करना चाहिए, एटलीस्ट एक रफ एस्टिमेट जरूर होना चाहिए, बिकॉज याद रखो मनी इज मेजर्ड इन टाइम अ लॉट ऑफ टाइम्स। और यही एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते हैं, इसलिए लोग ज्यादातर टाइम अमीर नहीं बन पाते हैं। ज्यादातर लोग वेल्थ क्रिएशन पर फोकस नहीं करते हैं और ये बहुत बड़ी गलती है उनकी। इसलिए आज मैं आपको रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की जो बहुत फेमस बुक है, वन ऑफ माय फेवरेट, मेरी पहली बुक है जो मैंने पढ़ी थी, उस बुक के ही कुछ बहुत ही अमेजिंग लेसन सिखाने वाला हूं जो आपको एक्चुअल में वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। 1876 में जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अपना पेटेंट करवाया था टेलीफोन का, तब उन्हें एक्सट्रीम हाई डिमांड की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। लोग टेलीफोन डिमांड किए जा रहे थे पर उनके पास इतना सप्लाई ही नहीं था, टेलीफोन ही नहीं थे बेचने के लिए। इसीलिए फिर वो विलियम ऑर्टन के पास गए थे जो उस टाइम की सबसे बड़ी कंपनी वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट थे। नाउ ग्राहम बेल ने उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग सा ऑफर दिया, वो उनको अपना पेटेंट सेल ऑफ करने के लिए रेडी थे बस $1,00,000 में। नाउ $1,00,000 उस टाइम के हिसाब से काफी ज्यादा पैसे होते हैं ऑब्वियसली, इसीलिए विलियम ऑर्टन ने तुम पागल हो गया ये बोल के उन्हें रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद ग्राहम बेल ने एक मल्टी $1,000,000,000 कंपनी AT&T को फॉर्म किया। नाउ ऑब्वियसली विलियम ऑर्टन के लिए ना पेटेंट ना खरीदना एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर था, जो बोल सकते हो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। और ये सब हुआ क्यों? वही दो रीजन की वजह से जिसकी वजह से हम लोग भी कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्या है वो? डाउट और फियर। आपके साथ भी कभी ना कभी ये चीज जरूर हुई होगी ना स्कूल या कॉलेज टाइम में, जब टीचर कोई क्वेश्चन पूछती है आपको आंसर पता होता है लेकिन हमारे अंदर ना डाउट होता है, फियर होता है, इसलिए हम लोग कभी भी हाथ उठाते नहीं है और कोई और इंसान हाथ उठा देता है वो आंसर दे देता है और उसे शाबाशी मिल जाती है और फिर हम लोग सोचते हैं यार शिट काश हमने हाथ उठा के आंसर दे दिया होता। और यही बोल सकते हो ना हम सबकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है, बिकॉज हमें ना अपने अंदर के पावर को कन्वर्ट करने आना चाहिए, हमारी नॉलेज का फायदा उठाने आना चाहिए, वरना हमारी नॉलेज कभी कोई काम नहीं आएगी। याद रखो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑफन इन द रियल वर्ल्ड इट्स नॉट द स्मार्ट हु गो अहेड बट द बोल्ड। ज्यादातर लोग ना अपने पैसे को लेकर बहुत इनसिक्योर होते हैं, अपनी जिंदगी को लेकर बहुत इनसिक्योर रहते हैं, वो लोग रिस्क लेने से डरते हैं और वही डर ना उन्हें कभी लाइफ में कुछ बड़ा करने नहीं देता है। इसलिए पहला लेसन इस बुक का मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा करेजियस बनो, एक हिम्मत वाले इंसान बनो। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि करेजियस इंसान है मतलब आप कुछ भी रिस्क लो, कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखो एक चीज को समझते हुए, जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी। नाउ फाइनेंशियल लिटरेसी इंपॉर्टेंट क्यों है, उसे आपको क्यों समझना जरूरी है अगर आप वेल्दी बनना चाहते हो? बिकॉज देखो 1923 में ना एक ग्रुप ऑफ लीडर्स थे और बहुत बड़े बिजनेसमैन लोग थे, जिन्होंने एक मीटिंग करी थी एज वाटर बीच की होटल में। उन कई सारे अमीरों में कुछ नाम ऐसे थे, चार्ल्स श्वाब जो कि हेड थे लार्जेस्ट स्टील कंपनी के, सैमुअल इंसॉल्ब जो प्रेसिडेंट थे कई सारी यूटिलिटीज के, हॉवर्ड हॉब्सन जो लार्जेस्ट गैस कंपनी के ओनर थे, और भी बहुत बड़े बड़े लोग वहां आए थे। लेकिन गैस वॉट 25 साल बाद ये जितने भी सारे एलिट लोग थे ना, इनमें से कई सारे लोग बैंकक्रप्ट हो गए थे। और ये हुआ था 1929 के मार्केट क्रैश की वजह से, मार्केट में अप्स एंड डाउन आने की वजह से। लेकिन उससे भी एक ऑब्वियस और बहुत ही स्टूपिड रीजन की वजह से, जो था अनप्रॉपर फाइनेंशियल लिटरेसी। आपने देखो ना कई बार ऐसा होता है कि यार कुछ लोग ना सेलिब्रिटीज बन जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, पैसे कई बार एक दो बार कमा भी लेते हैं, बट स्टिल वो लोग फिर बाद में जाके गरीब हो जाते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में कई बार लोग पैसा जीत जाते हैं, कई बार स्पोर्ट्स एथलीट्स भी ऐसा होता है ना, उनका टाइम खत्म हो जाता है तो लोग लेटर अपनी एज में गरीब होने लग जाते हैं। क्यों? बिकॉज मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि वो लोग है ना अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी पर फोकस नहीं करते हैं और फाइनेंशियली स्मार्ट नहीं बनते हैं। इसलिए बहुत जरूरी कि आप फाइनेंशियली लिटरेट बनो, ताकि कल को आप जब पैसे ज्यादा कमाने लग जाओ तब आप उसे अच्छे से उसका यूटिलाइज कर सको और जिंदगी भर अमीर बनकर वेल्थ क्रिएट कर सको। नाउ फाइनेंशियल लिटरेसी समझने के लिए ना आपको तीन चीजों पर फोकस करना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। पहला है आपका इनकम स्टेटमेंट, दूसरा है बैलेंस शीट और तीसरा है कैश फ्लो।
इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, एकदम सिंपल है। आपकी इनकम जो आप पैसे कमाते हो और आपके एक्सपेंसेस मतलब जो पैसे आपके अकाउंट से जाते हैं जैसे कि रेंट बिल एक्सेट्रा ये सारी चीजें। फिर आता है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में क्या आता है, देखो रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं बैलेंस शीट में आप दो चीजें डालो, एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट सिंपल वर्ड में कोई भी वो चीज जो आपके जेब में पैसे डालती है, जैसे कि अगर आपका कोई घर है जो जिससे आपको रेंट इनकम आती है, कोई गाड़ी है जिससे आपको इनकम आती है, आपका कोई यूट्यूब चैनल है, आपका सोशल मीडिया पर कोई पेज है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गया, एसेट्स हो गया। वहीं दूसरी तरफ लायबिलिटीज़ क्या होती है, मे बी आपकी कोई कार है जो आप खुद चलाते हो, उसकी सर्विसिंग करना, बिल भरना, मेंटेनेंस चार्जेस भरना, ये सारी चीज़ें लायबिलिटी हो गई। और थर्ड आता है फिर कैश फ्लो। इस पे आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, रॉबर्ट कियोसाकी इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। देखो कैश फ्लो ये ना पूरा गेम बदल देता है। यूजुअली जो गरीब लोग होते हैं ना, अगर आप उनका इनकम देखो और उनके एक्सपेंसेस देखो बैलेंस शीट के हिसाब से, तो उनकी जो इनकम होती है ना वो एक्सपेंसेस से यूजुअली कम होती है, जिसकी वजह से उनके सारे पैसे जो आते हैं वो सारे जरूरी खर्चों में ही, नेसेसिटीज में ही खत्म हो जाते हैं, खाना पीना कपड़े रेंट सारी चीजें। और एक पुअर इंसान के पास है ना एसेट्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा सिर्फ सर्वाइवल मोड पे जी रहा होता है, पैसे आते हैं खत्म हो जाते हैं। फिर आते हैं आप मिडिल क्लास लोगों पे। मिडिल क्लास लोगों की थोड़ी अच्छी बात ये होती है कि इनके पास कई बार पैसे थोड़े ठीक ठाक आते हैं, बट अगेन इनके पास भी है ना एसेट्स नहीं होते हैं, और ये जो अपने सारे पैसे है ना वो अपनी जरूरतों नेसेसिटीज में और लाइबिलिटीज में खर्च कर देते हैं, जैसे कि कार खरीद लिया, होम लोन ले लिया, क्रेडिट कार्ड के बिल्स भरना, ये सारी चीजें। और फिर एट द एंड आते हैं रिच लोग। नाउ रिच लोग क्या करते हैं पता है, ये लोग जब भी अपने पैसे कमाते हैं तो ये लोग वो पैसों से सबसे पहले एसेट्स पे खर्चा करते हैं, जैसे कि स्टॉक खरीदना, मे बी रियल एस्टेट में डालना, मे बी बॉन्ड्स में खरीदना, या फिर अपना बिजनेस खड़ा करना। ये लोग ऐसे एसेट्स में पैसे लगाते हैं जो उनको फिर इनकम कमा के देता है, और फिर जब वो एसेट से और पैसे बनते हैं तो वो उन पैसों से अपनी लायबिलिटीज पे खर्चा करते हैं, अपने बिल्स भरते हैं और ये सारी चीजें। और यहीं पे ना रॉबर्ट कियोसाकी एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं जिसे बोलते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट, जो रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में भी बताया गया है कि जो भी इनकम आप कमा रहे हो ना, ट्राई करो उसमें से स्टार्टिंग में कुछ परसेंट तो इतना रखो जो आप एसेट्स में लगा सको, कोई बिजनेस क्रिएट करने में लगा सको, वो चीज ही आपको हेल्प करेगी रिच बनने में। उसके साथ साथ वो एक और कॉन्सेप्ट समझाते हैं जिसे बोलते हैं माइंड योर ओन बिजनेस का। देखो रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं ना मैक्सिमम लोग दुनिया में कभी अमीर नहीं बन पाते हैं क्योंकि वो लोग हमेशा सिर्फ लायबिलिटीज पे फोकस करते हैं, जबकि जो रिच लोग होते हैं ना वो लोग हमेशा हमेशा एसेट्स पे फोकस करते हैं, और यही चीज करना बहुत जरूरी है। 1974 की बात है जब मैकडोनल्ड के जो रे क्रॉक थे, जिन्होंने मैकडोनल्ड को बहुत फेमस बनाया था, उनको इन्वाइट करा गया था यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में जो ऑस्टिन में थी। वहां ना सारे स्टूडेंट्स एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे। अब वहां पर ना बहुत अच्छा सेशन हुआ, रे क्रॉक ने बहुत ही पावरफुल स्पीच दी जिससे सारे स्टूडेंट्स मोटिवेट हो गए थे, और उसके बाद वो सेशन खत्म हो गया। ना इसके बाद कैजुअली है ना रे क्रॉक इवेंट के बाद भी स्टूडेंट से बात कर रहे थे, हैंग आउट कर रहे थे उनके साथ, चिल कर रहे थे। तभी रे क्रॉक ने ना स्टूडेंट से ऐसे कैजुअली पूछा कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट बिजनेस आई एम इन। तो सारे स्टूडेंट्स को लगा कि यार रे क्रॉक मजाक कर रहे हैं, वो हंसने लगे। लेकिन रे क्रॉक ने फिर से वापस से पूछा कि तुम लोगों को क्या लगता है मैं कौन से बिजनेस में हूँ। तब एक स्टूडेंट ने कहा कि सर कोई गधा ही होगा जो ये चीज नहीं जानता होगा, आप ऑब्वियसली बर्गर्स बेचने के बिजनेस में हो, फ्रेंचाइज वाले बिजनेस में हो। तब रे ने कहा नहीं, ये चीज एकदम सच नहीं है, एक्चुअल में मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में हूँ। हमारा जो फोकस है ना वो सिर्फ बर्गर्स बेचने पे नहीं होता है, बल्कि हमारा फोकस होता है फ्रेंचाइज देके टॉप स्पेसेस ऑफ रियल एस्टेट को एक्वायर करना। और उन्होंने ड्रिंक करते करते एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया। उन्होंने बोला तुमको पता है आज हम लोगों के पास है ना जितने कैथलिक चर्चेस है ना उनसे भी ज्यादा पीस ऑफ लैंड एक्वायर कर लिया है हमने, वो भी वर्ल्ड के सबसे पॉश पॉश एरियाज में। और रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं ये चीज सीखने के बाद ही है ना उनका जो दोस्त था जिसने ये चीज अटेंड भी करी थी लाइव, उसने फिर कार वॉश का बिजनेस स्टार्ट किया, और कार वॉश के बिजनेस में भी वो रियल एस्टेट पे फोकस करता था जिसकी वजह से उसने बहुत पैसे कमाए। और यही आपका लेसन है, आपको भी हमेशा फोकस अपने एसेट्स को एक्वायर करने पे करना चाहिए। कई बार रॉबर्ट कियोसाकी ना लोगों से पूछते हैं कि यार व्हाट बिजनेस यू आर इन, तो कई बार लोग बोलते हैं कि मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में हूँ, मैं बैंक्स में काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तब रॉबर्ट कियोसाकी उनसे पूछते हैं तो क्या आप बैंक को ओन करते हो, उस जगह को ओन करते हो। तो वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो हम सिर्फ उधर काम करते हैं। और रॉबर्ट कियोसाकी तो यही बोलते हैं कई बार ना लोग ना अपने काम को अपने बिजनेस से कंफ्यूज कर लेते हैं। आप जो काम कर रहे हो वो आपका जरूरी नहीं वही आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस वो होना चाहिए जहां पे आप चीजों को ओन कर रहे हो, जहां पे कुछ आप ऐसा क्रिएट कर रहे हो जो आपको पैसा बनाने में हेल्प करे। देखो याद रखो आप जॉब कोई भी कर सकते हो, कोई भी फील्ड में आप जॉब करके पैसे कमा सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ माइंड योर ओन बिजनेस, आपको अपने बिजनेस पे भी फोकस करना चाहिए जहां आप एसेट्स बनाने पे फोकस कर पाओ। और प्लस उसके साथ साथ ये भी एक चीज याद रखो, वर्क टू लर्न एंड नॉट जस्ट फॉर मनी। और इस लेसन को समझाने का बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है। एक बार है ना रॉबर्ट कियोसाकी सिंगापुर के एक इवेंट में गए थे, तो वहां पे ना एक लोकल न्यूज़पेपर के लिए उनका एक इंटरव्यू था। जो इंटरव्यू लेने के लिए एक यंग लेडी उनके पास आई थी। ना इंटरव्यू काफी अच्छे से गया, और इंटरव्यू के बाद उस यंग लेडी ने ना उनसे पूछा कि ना सर मैं भी ना आपकी तरह एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती हूँ, मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ। अब रॉबर्ट कियोसाकी को ना ऑलरेडी उस लेडी के बारे में पता था कि हाँ वो सच में अच्छा लिखती है,
क्योंकि उन्होंने उसके कुछ आर्टिकल्स पहले भी पढ़े थे। तो इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी ने पूछ भी लिया कि जब तुम इतना अच्छा लिखती हो तो इस पे तुम फुल टाइम क्यों नहीं परस्यू कर रही हो लिखने के लिए। तो उसके रिस्पॉन्स में उस लड़की ने कहा कि हाँ, मैं आर्टिकल्स और बुक बहुत अच्छे से लिख तो लेती हूँ, पर उसे कोई खरीदता ही नहीं है, इसलिए मैं अभी न्यूज़पेपर फर्म में काम कर रही हूँ ताकि मैं अपने बिल्स को पे कर सकूँ टाइम पे। क्या आपके पास कोई सजेशन है मेरे लिए? तो रॉबर्ट कियोसाकी ने इमीडिएटली बोला यस है, और उन्होंने बताया कि मेरा एक दोस्त है जो सेल्स सिखाता है, आपको ना उनके सेमिनार अटेंड करना चाहिए। ना ये जैसे ही उस लड़की ने सुना ना, उसको गुस्सा आ गया कि ये मुझे आप क्या कह रहे हो, मुझे आप फिर से स्कूल जाने बोल रहे हो, चीज़ें सीखने के लिए बोल रहे हो, मैंने ऑलरेडी मास्टर्स करके रखा है इंग्लिश लिटरेचर में और मैं प्रोफेशनल हूँ, और वैसे भी मुझे सेल्स से नफरत है, मुझे जरा भी सेल्समैन और सेल्स पसंद नहीं है। ना रॉबर्ट कियोसाकी ने ना बड़े आराम से उनकी ये बात सुनी, और जैसे ही वो अपना ब्रीफकेस पैक करके जाने लग गई, तभी रॉबर्ट कियोसाकी ने ना इशारा करते हुए उन्हें अपनी बुक दिखाई और बोला कि बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो उस लड़की ने पढ़ा, रॉबर्ट कियोसाकी बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ द बुक रिच डैड पुअर डैड। और फिर रॉबर्ट कियोसाकी ने एक वर्ड के ऊपर अपनी उंगली रखी, जो वर्ड था बेस्ट सेलिंग ऑथर। उन्होंने उसको समझाया कि देखो, आई एम नॉट द बेस्ट राइटर, मेरी राइटिंग स्किल जितनी अच्छी नहीं है, बट आई एम अ गुड सेलर। तुम्हारी राइटिंग कितनी भी अच्छी हो, बट अगर उसे कोई खरीदता ही नहीं है तो फिर क्या फायदे की। इसीलिए सेल सीखना आपको बहुत जरूरी है। और यही चीज रॉबर्ट कियोसाकी कई सारे लोगों को समझाते हैं कि कई बार हम लोग पैसे पे इतना फोकस करने लग जाते हैं ना, कि हम लोग ना सीखने पे फोकस करते ही नहीं है। हम लोग समझते ही नहीं है कि हमें कौन सी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और इसीलिए ही कई बार रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि कई सारे लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, बट स्टिल वो लोग कभी अपने टैलेंट का फायदा नहीं उठा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फोकस सिर्फ पैसे कमाने पर रह जाता है, ना कि सीखने पर। वो लोग सेल्स जैसी इंपॉर्टेंट स्किल्स को भी नज़रअंदाज करते हैं। अब ये तो बस कुछ बातें थी जो रिच डैड पुअर डैड से मैंने सीखी थी, जो आपके साथ मैंने शेयर करी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं इस बुक में जो आपको सीखनी चाहिए अगर आप एक्चुअल में वेल्दी बनना चाहते हो, एसेट्स बनाना चाहते हो। काफी डिटेल में ऑथर ने इसके बारे में बताया, जिसके लिए आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। बट हाँ, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को बुक पढ़ने होता नहीं है, कई बार बुक खरीद भी लेते हैं लेकिन जिंदगी भर बुक पढ़ी रहती है, वो बुक कभी पढ़ी नहीं जाती है। इसलिए हमने क्या किया, हमने आपके बिहाफ में ये बुक पढ़ी है, उसकी चैप्टर बाय पेज इसकी समरी बनाई है, और उसे हमने ऐसे ही एनिमेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है वीडियो बुक्स बना के, जिसे आप जाके इजीली, जैसे आपने ये वीडियो दिखाया ना, वैसे जाके आप ये पूरी बुक की सारी बातें एग्जैक्टली डिटेल में सीख सकते हो जो रॉबर्ट कियोसाकी सिखा रहा है। ट्रस्ट मी, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है जो मैंने पढ़ी थी, जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जाओ पूरे डिटेल में इस बुक को जरूर कंज्यूम करना। नीचे लिंक दी हुई है, वहां से जाके अगर आप ये बुक खरीदोगे तो बस आपको 2400 रुपीज में आपको एक ईयरली सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसके अंदर आपको ये बुक की वीडियो बुक तो मिलेगी, ऐसी 30-35 के ऊपर और भी बहुत सारी बुक्स है जिनकी वीडियो बुक्स आप जाके देख सकते हो, सीख सकते हो, अपनी एजुकेशन पर फोकस कर सकते हो, लर्निंग पर फोकस कर सकते हो, जो आपको एक्चुअल में वेल्थ क्रिएट करने में भी हेल्प करेगा, एसेट्स बनाने में भी हेल्प करेगा। ट्रस्ट मी, बुक्स जैसे क्रशिंग इट, 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ मार्केटिंग, हमारे पास सेल्स के ऊपर भी बुक है, तो ये सारी बुक्स आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। इसलिए जाओ अभी जाके, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके हमारी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, OVB की सब्सक्रिप्शन है। कुछ टाइम बाद शायद हम इसका जो 50% ऑफ है वो खत्म कर देंगे, 4800 हो जाएगा, तो वो होने से पहले ही जाके आप उसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ये बुक की सारी बातें सीखे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। और अगर आपको ऐसी बातें और सीखते रहनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। प्लस थैंक यू सो मच उन सभी लोगों का, जितने भी लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे सभी दोस्तों के साथ, वो भी करते रहिए, थैंक यू सो मच उसके लिए। अभी के लिए तो इतना ही, बट ये जो एंड स्क्रीन पे वीडियो आया है ना, YouTube सोचता है कि वो आपको देखना बहुत जरूरी है, तो मेरे हिसाब से YouTube का AI काफ़ी समझदार है, वो अगर आपको रिकमेंड कर रहा है तो आपको वो जरूर देखना चाहिए, जाके वो वीडियो देखो, उसमें भी आपको पक्का बहुत सारी अच्छी बातें सीखने मिलेगी। बाय।